किसी हाथी को किसी सरोवर या किसी नदी के किनारे ले जाकर खूब अच्छी तरह स्नान कराओ, हाथी को एकदम साफ कर दो। लेकिन जब वो नहा के बाहर आएगा फिर अपनी सूंड से धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल लेगा। अब बताओ ऐसे हाथी को नहलाने से क्या फायदा? महाराज मुझे तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिस उपाय को करके मन में पाप करने की इच्छा ही न जगे, ऐसा उपाय बताओ। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन इसके लिए तो केवल एक ही उपाय है कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंतिकार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। केवल एक उपाय है परीक्षित, व्यक्ति केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, केवल भगवान की भक्ति करे। जब ये जीव भगवान की भक्ति करता है तो जितना इसका भजन बढ़ेगा, जितना इसकी भक्ति बढ़ेगी, उतना ही ये पापों से दूर हटता जाएगा। आप लोग इसका अनुभव स्वयं करना। हम लोग जितना भजन में आगे बढ़ते हैं, जितना भगवान का भजन करते हैं, फिर पाप करने का मन नहीं करता हमारा। जितना कथा सुनोगे, जितना नाम जपोगे, उतना ही पापों से बचोगे। इस संबंध में सुखदेव जी ने भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। यहां से भागवत का ये छठा स्कंद शुरू हुआ है और इसमें सबसे पहले एक भक्त का चरित्र आया है जिसका नाम है अजामिल। प्रेम से कहो श्री राधे। अजामिल की कथा आई है कि कान्य कुबजे द्विजा कश्चित दासी पतिर अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। हे परीक्षित, कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। ये अजामिल बड़ा ब्रह्मनिष्ठ, बड़ा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था और भगवान का भक्त भी था। इस अजामिल के बूढ़े माता पिता थे, सुंदर एक पत्नी भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। लेकिन एक बार अजामिल से गलती हो गई बहुत बड़ी। क्या हुआ, अपने माँ बाप की आज्ञा पर अजामिल वन में गया था लकड़ी लेने के लिए। हवन करना था, समिधा की आवश्यकता थी, तो लकड़ी लेने के लिए वन में गया। जब लौट रहा था अजामिल, तो अजामिल ने क्या देखा कि एक वैश्या किसी पुरुष के साथ शराब पीकर घूम रही है। अब देखो, अजामिल ने स्वयं पाप नहीं किया, लेकिन पाप को आंखों से देखा बस, और देखते ही वो पाप आंखों से सीधे मन में चले गए। इसीलिए संत कहते हैं कि हमेशा अच्छी वस्तुएं देखो, ख्याल रखो तुम्हारी नजरें बुराई की ओर न जाएं। यदि किसी को शराब पीते देखोगे, जुआ खेलते देखोगे, यदि तुम किसी को पाप करते देखोगे, तो चाहे तुम करो ना, लेकिन वो पाप तो अंदर जाएंगे। क्योंकि आंखें जो देखती हैं वो हमारे मन में कैद हो जाता है, वो पाप सीधे मन तक पहुंच जाते हैं। और जो बात एक बार मन में आ जाती है उसको कर्म में आने में देर नहीं लगती। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि तुम बुराइयों को देखोगे तो वो बुराइयां तुम्हारे कर्म में भी आ जाएंगी। अब अजामिल ने देखा उस पाप को होते हुए, अपने घर आया, माँ बाप से कोई बात नहीं की, जहां पर पैसा रखा रहता था सारा पैसा इकट्ठा किया, ले जाकर वो रुपया उस वैश्या को दे दिया और अब अपने घर को छोड़कर उसके साथ ही रहना शुरू कर दिया। पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़ दिया। जब गांव के लोगों ने सुना कि इस अजामिल ने इतना पाप किया, तो गांव के लोगों ने मिलकर अजामिल को गांव से बाहर ही निकाल दिया कि ये गांव में रहने लायक नहीं है। ये गांव के बाहर रहने लगा। एक बार अजामिल के गांव में कुछ संत आए थे, जा रहे थे अयोध्या से वृंदावन, तो रास्ते में पड़ा कन्नौज। आज भी ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में शहर है। कन्नौज पड़ा अजामिल का गांव। संत अंदर आ गए, लोगों से पूछा कि आज की रात हमको इस गांव में रहना है, कोई भक्त का घर हो तो बताओ,
तो लोगों ने सोचा कि चलो इन संतों से मजाक करते हैं। तो भोले भाले संतों को अजामिल जैसे पापी का घर बता दिया। संत भी बेचारे पहुंच गए, जाकर आवाज लगाई, अरे भक्त अजामिल, अरे भक्त अजामिल। अजामिल ने जब सुना, सोचने लगा कि आज इतने दिन बाद मेरे से किसी ने भक्त कहा, कौन है? दरवाजा खोला, सामने संत खड़े हैं। संतों को देखते ही अजामिल के संस्कार फिर से जागृत हो गए। क्योंकि बंधुओं याद रखना, जब भगवान को कृपा करनी होती है तो भगवान पहले किसी संत से मिला देते हैं। तभी तो विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया है, विभीषण कह रहे हैं, हे पवनसुत अब मुझे भरोसा हो गया है कि राम की कृपा मेरे ऊपर होने जा रही है, तभी तो राम ने मुझे अपने भक्त से मिला दिया है, आपसे मेरा मिलन हो गया, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज अजामिल के भी संस्कार जग गए कि आज मेरे द्वार पर संत पधारे हैं। कि आज के दिवस की जाऊं बलिहारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आहा, आज तो संत पधारे हैं, आइए आइए महाराज, ये घर तो आपका ही है, चलिए अंदर। अजामिल संतों को लेकर अंदर गया, अच्छी तरह से बिठाया है। संतों ने कहा, अजामिल तुम तो बड़े संस्कारी हो, इतना आदर हमको दे रहे हो, देखो हम आज की रात तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, कल होते ही चले जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, आपका जब तक मन करे तब तक आप रहो, आपका ही तो घर है। रुक गए संत। अब रात्रि में संतों ने खूब सुंदर प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, अजामिल को भी प्रसाद दिया। जब प्रातःकाल संत जाने लगे, अजामिल की आंखों में आंसू आ गए, आज संत जा रहे हैं। अजामिल ने कहा कि महाराज क्या थोड़े दिन और नहीं रुक सकते? नहीं अजामिल, हमको तो वृंदावन जाना है भैया। हाँ वृंदावन से जब लौटेंगे फिर तुम्हारे घर आएंगे, अभी हमको जाने दो। अजामिल ने कहा कि महाराज ठीक है आप जाइए, लेकिन मेरे एक अपराध को आप क्षमा करते जाइए। अजामिल कौन सा अपराध? तुमने तो कोई अपराध नहीं किया। नहीं नहीं महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि आपने तो मुझे एक भक्त समझा था ना। हाँ मैं पहले भक्त था, लेकिन अब मैं भक्त नहीं हूं। जानते हो मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मैंने अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ दिया, मैं तो इस वेश्या के साथ रहता हूं, सारा दिन शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, बस यही मेरा काम है। आपने मेरे जैसे पापी के यहां भोजन किया। संत बोले कि अजामिल ऐसी बात थी तो तूने पहले क्यों नहीं बताया हमको, हम तेरे यहां रुकते नहीं। अजामिल ने कहा महाराज यही तो बात थी, यदि पहले बता देता तो आप रुकते नहीं, और रुकते नहीं तो आपकी सेवा का अवसर मुझे कैसे मिलता। प्रेम से कहो श्री राधे, आपकी सेवा करने की इच्छा मन में थी तो आपको नहीं बताया, लेकिन अब तो गलती हो गई, आपको जो दंड देना है आप दे दो। संत बोले अजामिल तुझे दंड देंगे, ये बता इस वेश्या से तेरे कितने बच्चे हुए? अजामिल ने कहा कि महाराज 9 बच्चे हुए हैं और 10वें की तैयारी भी है। प्रेम से कहो श्री राधे, हाँ 10वां भी होने वाला है, 9 पुत्र हुए हैं। अच्छा तूने क्या नाम रखे उनके? तो नंबर से अजामिल ने गिना दिया, चिंकू पिंकू टिंकू सबके नाम बता दिए। संत बोलेगी देख अजामिल, अब तक तूने अपने बच्चों के जो नाम रखे सो ठीक, लेकिन अब के जो तेरे संतान होगी, हमारा आशीर्वाद है, वो भी बेटा ही होगा, लेकिन अब की बार तू हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देना, बस यही तेरा दंड है। क्योंकि संत जानते थे कि इसको लंबी चौड़ी पूजा बताएंगे तो ये करने वाला नहीं है। तो कितना सरल उपाय संतों ने बता दिया, अजामिल के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया, संत चले गए। अब वो 10वां पुत्र जब पैदा हुआ उसका नाम रख दिया नारायण। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भुंजान प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रित भोजयन पायन मूढ़ो
न वेदागत मंतकम। अब उस बेटे नारायण में अजामिल का मन आसक्त हो गया। सुबह से ही आवाज लगाता था, आओ बेटा नारायण भोजन करो, आओ बेटा नारायण मेरे साथ थोड़ी देर खेलो। देखो नारायण, तुम्हारे मित्र बाहर तुमको बुला रहे हैं, जाओ थोड़ी देर बाहर खेलकर आओ। देखो नारायण, तुम्हारे दूध पीने का समय हो गया, आओ दूध पी लो। आओ नारायण, अब तुम्हारे सोने का समय हो गया, बेटा सो जाओ। इतना आसक्त हो गया कि उठते बैठते सोते खाते अजामिल के मुख से निकलता था नारायण नारायण नारायण। बंधुओं, अजामिल जब 80 साल का हो गया, 80 वर्ष का जब अजामिल हो गया, तो यमराज के 3 दूत पकड़ने के लिए आए थे। देखो वैसे सबको पकड़ने के लिए 2 दूत आते हैं, भागवत में लिखा है। सबको पकड़ने के लिए यमराज के 2 दूत आते हैं, लेकिन अजामिल को पकड़ने 3 आए थे। क्यों? क्योंकि घोर पापी है ना, 2 के बस में आएगा भी या नहीं आएगा। तो यमराज ने 3 दूत भेजे थे, जाओ पकड़ के लाओ। अजामिल ने जब उन यमदूतों को देखा, लंबा चौड़ा शरीर, लंबे लंबे दांत, हाथ में डंडे लग रहे थे, यमदूतों को देखते ही अजामिल घबरा गया और उन यमदूतों से डरकर अपने बेटे को आवाज लगाई, दूरे क्रीडनासक्तम पुत्रम नारायणा वयम। अपने बेटे को आवाज लगाई कि आओ नारायण मेरी रक्षा करो, आओ नारायण मुझे बचाओ। तो बंधुओं, वो बेटा नारायण तो बचाने नहीं आया, उसी समय साक्षात भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को कहा कि कहां ले जाते हो अजामिल को। बोले महाराज, ये घोर पापी है, इसको नरक में डालेंगे। अरे ये कैसे पापी हो सकता है, इसने तो मरते समय भगवान को पुकारा, इसने तो नारायण कहा। नहीं नहीं महाराज, इसने नारायण को नहीं बुलाया, इसने तो हमसे डरकर अपने बेटे को बुलाया था। ये बड़ा चालाक है, इसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया और अपने बेटे को पुकार रहा था। यदि ये भगवान को बुलाता तो हम क्यों लेने आते इसको। लेकिन भगवान के पार्षद बोले कि देखो यमदूतों, अभी तुम भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते हो। प्रभु का नाम तो बड़ा अद्भुत है। कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्थोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु। बड़ी अद्भुत महिमा है प्रभु के नाम की। भगवान का नाम संकेत से लिया जाए वो भी खाली नहीं जाता। भगवान का नाम चाहे हंसी मजाक में ही क्यों न लिया जाए वो भी खाली नहीं जाता। बंधु, भगवान का नाम कभी भी किसी भी अवस्था में लिया जाए। जानते हो, प्रभु का नाम अग्नि की तरह है। आग में कोई भी वस्तु डालो, आग उसको जला देगी। ऐसे ही भगवान का नाम कभी भी लो, भगवान का नाम हमेशा हमारे पापों को नष्ट करेगा। चाहे संकेत से ही लिया जाए। अपने घर का नाम भगवान के नाम पर रख दो, अपनी दुकान का नाम रख दो, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रख दो, वो लिया हुआ नाम भी कभी खाली नहीं जाएगा, वो भी तुम्हारे पापों को जलाएगा। जैसे कि एक कथा आती है कि 4 चोर थे और रोज चोरी करते थे, लेकिन बड़ी अनोखी चोरी करते थे। चोरी करते समय भगवान के नामों को ही कोड वर्ड की तरह यूज करते थे। चोरी भी करते थे, भगवान का नाम भी लेते थे। जैसे ही कोई राहगीर गुजरता था ना रास्ते से, तो पहला चोर आवाज लगाता था, नारायण नारायण। क्या कहता था? नारायण नारायण। यानी वो राहगीर नाला पार कर रहा है, संकेत होता था नारायण, राहगीर आ गया है, नाला पार कर रहा है। तुरंत दूसरा चोर आवाज लगाता था, वासुदेव वासुदेव, यानी अब इसमें बांस दे, डंडा मार। तीसरा चोर आवाज लगाता था, दामोदर दामोदर, जो कुछ दाम हो सब छीन लो इससे, जो कुछ हो ले लो। फिर चौथा चोर आवाज लगाता था, हरिहर हरिहर, अब इसे छोड़ दो, जाने दो, हो गया काम। रोज ऐसे ही चोरी करते थे चारों,
नारायण वासुदेव दामोदर हरि हर रोज ऐसी ही चोरी करते थे। बंधुओं, एक दिन भगवान का नाम लेते लेते चोरी कर रहे थे, उसी समय आकाश से बिजली गिरी, चारों का प्राणांत हो गया, चारों मर गए। और उसी समय भगवान के धाम से विमान आया और बैठकर सीधे भगवान के धाम चले गए। चोरी करने में भी यदि भगवान याद आ रहे हैं, भगवान का नाम लिया जा रहा है, वो चोरी भी भजन बन जाती है। और यदि भजन करने में भी भगवान याद नहीं आ रहे तो वो भजन भी चोरी हो जाता है, वो भजन नहीं है। तो कैसे भी प्रभु का नाम लो, कभी खाली नहीं जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के पार्षदों ने बहुत समझाया लेकिन यमदूत नहीं माने, तो अंत में यमदूतों को मार मार के वहां से भगा दिया, सब भाग गए। भगवान के पार्षद अजामिल को वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। अजामिल दोनों की बात सुन रहे थे, भगवान के पार्षद और यमदूत क्या बात कर रहे हैं सब अजामिल ने सुना। जब पार्षद भी चले गए, यमदूत भी चले गए, अजामिल वहीं बैठा है। अब तो रोने लगा अजामिल और अपने आप को धिक्कारने लगा कि अरे अजामिल, तुझे धिक्कार है, तूने जीवन में कभी भगवान को याद नहीं किया, लेकिन देख भगवान फिर भी कितने दयालु हैं, तूने तो अपने बेटे को पुकारा था और भगवान ने तुझे बचाने के लिए अपने पार्षद भेज दिए। यदि सच्ची निष्ठा से तूने भगवान को पुकारा होता तो आज पार्षद नहीं, स्वयं नारायण ही लेने के लिए आते, स्वयं भगवान ही लेने के लिए आते। अपने आप को अजामिल धिक्कारने लगा, धिक्कार है तुझे। 80 वर्ष की अवस्था में अजामिल ने अपने घर को छोड़ दिया था बंधुओं, और हरिद्वार में सप्त सरोवर पर जाकर 8 साल और अजामिल जीवित रहा था, भगवान का भजन किया, अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सुंदर अजामिल का चरित्र यहाँ छठे स्कंद में आया है बंधुओं। आगे फिर एक वृत्तासुर नाम के असुर की कथा भी सुनाई है सुखदेव जी ने। ये जो वृत्तासुर था, ये था तो असुर, लेकिन फिर भी इसने अंतिम समय भगवान को याद किया। भागवत में इंद्र से वृत्तासुर का युद्ध हुआ है और इंद्र हाथ में संत ददीची ऋषि के हड्डियों से बने हुए वज्र को लेकर खड़े थे। वृत्तासुर के ऊपर वज्र गिरने वाला था और ऐसे समय में वृत्तासुर भगवान को याद कर रहा है। हम थोड़ा वृत्तासुर की स्तुति को सुने, भगवान को क्या कहता है वृत्तासुर कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरे तासुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। बड़ी सुंदर स्तुति की है। वृत्तासुर भगवान को कहते हैं कि प्रभु, अब की बार तो आपने मुझे असुर बनाया है, लेकिन आगे यदि मुझे जन्म देना, क्योंकि मैं जानता हूं इंद्र का ये वज्र मेरे ऊपर गिरेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन प्रभु मैं बस इतना चाहता हूं कि आगे यदि आप मुझे कभी जन्म देना तो असुर मत बनाना, मुझे देवता भी मत बनाना, मुझे ब्रह्मा भी मत बनाना। हे भगवान, यदि आगे कभी जन्म देना तो इतनी कृपा करना कि अपना दास बनाना चाहे मत बनाना, लेकिन कृपा करके मुझे अपने दासों का दास बना देना। ऐसी प्रार्थना एक असुर भागवत में कर रहा है, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्तासुर की स्तुति तो बड़ी अद्भुत है। वो वज्र आकर गिरा था लेकिन सीधे भगवान के धाम पधारे थे वृत्तासुर। परीक्षित जी ने पूछा था कि रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथमासी दृणामति। हे गुरुदेव, ये वृत्तासुर कौन था? तो सुखदेव जी ने बताया कि राजन, पूर्व जन्म में ये वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को अपने वाम अंग में बिठाकर संतों के बीच में थोड़ा सत्संग कर रहे थे। ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है अपने विमान में बैठकर। जब इसने देखा तो हंसने लगा कि ये कैसे जगत के माता पिता हैं, ये कैसे भगवान शिव और पार्वती हैं, अपनी पत्नी को गोद में लेकर संतों के बीच में बैठे हैं, हंसने लगा। भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी को थोड़ा क्रोध आ गया
और माँ भवानी पार्वती ने शाप दिया कि अरे वृत्तासुर, हमारा मजाक उड़ाता है, जा मैं शाप देती हूँ, तू असुर योनि में जाएगा। जब शाप मिला, ऊपर से धड़ाम से नीचे आके गिरा, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी कि माँ मेरे अपराध को क्षमा करो, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, लेकिन आपने मुझे शाप दिया कि मैं असुर योनि में जाऊँगा, तो मुझे ये शाप स्वीकार है, मैं जाऊँगा असुर योनि में, लेकिन माँ आप ऐसी कृपा भी मेरे ऊपर करो कि असुर योनि में जाने के बाद भी जब मेरा अंतिम समय आए तो मुझे भगवान की याद आ जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो माँ पार्वती को दया आ गई और कहा कि बेटा तू असुर योनि में तो जाएगा, लेकिन अंतिम समय तुझे भगवान की याद जरूर आएगी और तू सीधे मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो माँ पार्वती के शाप से ये चित्रकेतु गंधर्व वृत्तासुर नाम का असुर बने थे, भगवान ने इनको मुक्त किया।